फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सनस्क्रीन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा अपने लिए एक बेस्ट सनस्क्रीन चूज़ करते वक्त। देखो, सबसे पहले बात करती हूँ कि क्या सर्दियों में हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, मौसम कोई भी हो, आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, बादल लगे हुए हैं, बारिश हो रही है, धूप है, छांव है, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत हमेशा होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। घर के अंदर भी हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। अब कुछ बातें आपके साथ ऐसी शेयर करती हूँ जो आपको सनस्क्रीन लेते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सनस्क्रीन आपको UVA और UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन दे। अब सबसे पहले बात करती हूँ कि ये दोनों रेज इतनी बदनाम क्यों है, क्यों ये इतना ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि UVA और UVB रेज से हमारी स्किन ख़राब होती है। देखो, ये जो रेज होती है ना, ये जब हमारी स्किन में एंटर करती है ना, तो हमें हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन जैसी प्रॉब्लम देती हैं और फाइन लाइंस, रिंकल्स तो मिल ही जाते हैं फ्री में। तो आपको क्या चाहिए, जब भी आप सनस्क्रीन लेने जाओ तो UVA और UVB रेज से प्रोटेक्शन ज़रूर देने वाला होना चाहिए आपको सनस्क्रीन, अदरवाइज़ उस सनस्क्रीन का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मिनिमम SPF 30 वाला सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा SPF होगा उतना ज़्यादा अच्छा वो आपके लिए रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम 30 से कम वाला क्या हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं। मिनिमम 30 मतलब अगर आप घर के अंदर रहते हो तो SPF 30 आप यूज़ कर सकते हो, बाहर जाते हो तो SPF 40, 50 तक आपको यूज़ करना चाहिए और आपका सनस्क्रीन होना चाहिए PA++। आजकल गैजेट से भरी हुई दुनिया में हम दिन में कम से कम 4-5 घंटे गैजेट्स के आसपास ही निकाल देते हैं, चाहे हमारा फ़ोन हो या फिर हमारा लैपटॉप हो, हम बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ करते हैं। अब ये जो स्क्रीन होती है ना, इससे भी ब्लू लाइट निकलती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो आपका जो सनस्क्रीन आपको लेना है ना, उसमें होनी चाहिए ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, मतलब इन गैजेट से निकलने वाली जो रेज है, हार्मफुल रेज हैं, वो हमारी स्किन को ख़राब ना करें, इसकी भी प्रोटेक्शन आपको आपका सनस्क्रीन देने वाला होना चाहिए। मैं अगर मेरे सनस्क्रीन की बात करूँ जिसे मैं यूज़ करती हूँ, वो है डर्मा टच मैट टच SPF 50 PA++ सनस्क्रीन। ये ना सिर्फ मुझे UVA और UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है और स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट भी है। कई लड़कियां ये बहुत कंप्लेन करती हैं कि जब भी हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना सा फील आने लगता है। और कई सनस्क्रीन ऐसे भी होते हैं जो लगाते ही आपका फेस पूरा वाइट हो जाता है, मतलब वाइट कास्ट छोड़ते हैं। बट इस सनस्क्रीन की ये बहुत अच्छी बात है कि ये स्वेट रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट है और ये किसी भी तरीके का वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। मैट फिनिश में आता है ये, तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना, अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो ये बिल्कुल मैटिफाई कर देता है उसको, और मेरी स्किन तो नॉर्मल है, बहुत ही अच्छी फिनिश मुझे देता है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा ना हैवी फील नहीं होता और ऑयली तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो अगर आपको भी सनस्क्रीन लगाने के बाद स्वेटिंग सी फील होती है तो आप इस सनस्क्रीन को ट्राई करो, बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी आपको फील नहीं होगा। इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन एक्टिव्स के द्वारा बनाया गया है, फास्ट एक्शन फॉर्मूले के साथ है, फ्रेग्रेंस फ्री है। कई लोगों को फ्रेग्रेंस से एलर्जी होती है, इस सनस्क्रीन की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हो ना, बाहर निकलने से कम 15 से 20 मिनट पहले इसे अप्लाई कीजिए और फिर बाहर निकलिए, और हर 2 से 3 घंटे बाद इसे रिपीट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सुबह लगा लिया बस छुट्टी हो गई, पूरा दिन निकल जाएगा, नहीं। हर सनस्क्रीन को आपको 2 से 3 घंटे बाद रिपीट करना चाहिए। इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मैं इसे अप्लाई तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरे स्किन के ऑयल को भी बैलेंस कर रहा है और मेरी स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी फिनिश इसकी आती है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपकी स्किन में एक बैरियर बना देता है जिसकी वजह से आपकी स्किन का हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल सील हो जाता है, मतलब होता है ना आपकी स्किन ड्राई हो रही है बट इसको लगाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। ये सनस्क्रीन इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है तो ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत परफेक्ट हो जाता है। मैं आपको इसका टेक्सचर थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ नज़दीक से। इसका टेक्सचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आप देखोगे इसका टेक्सचर ना काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट भी है और बिल्कुल भी ये ग्रीसी आपकी स्किन को नहीं करता है। ये आप देखेंगे बिल्कुल मैट फिनिश देता है। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, आप देख सकते हो बिल्कुल भी आपकी स्किन ना ऑयली फील नहीं होती है। तो मुझे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आप किसी भी स्किन टाइप के हो तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप अपने लिए परफेक्ट सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो
तो यहाँ पर आपकी जो खोज है ना वो समाप्त करवाती हूँ मैं, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा। आई होप इस वीडियो से आपकी ये टेंशन तो खत्म हो गई होगी कि हमें सर्दियों में सनस्क्रीन लगाना चाहिए कि नहीं, सनस्क्रीन लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत सारे मिथ्स जो होते हैं ना उन्हें आपके दिमाग से निकाल दिया होगा, उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।